नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में इंडो नेपाल सीमाओं को किया गया सील। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। वहीं इसी बीच सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंडो नेपाल सीमा को बंद कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के बीच संवेदनशील इलाकों में हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। गौर करने की बात यह है कि तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 सीटों पर मतदान होना है, जिसके बाद कोसी और सीमांचल में हो रही गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत नेपाल सीमा के रास्ते अक्सर असामाजिक तत्व चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन एसएसबी के चौकन्ना जवान ऐसी हर कोशिश को नाकाम करने के लिए मुस्तैद नजर आते हैं। पटना में गंगा घाट पर ही होगा छठ। कोरोना के माहौल में दुर्गा पूजा के आयोजन पर लगी रोक के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद अब छठ पूजा पर भी कोरोना का ग्रहण लग सकता है। हालांकि अब राजधानी पटना में छठ के घाट पर ही आयोजन करवाने का रास्ता साफ हो गया है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश के बाद अब छठ पूजा के आयोजन का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। प्रमंडलीय आयुक्त ने पटना के डीएम और नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि वो छठ महापर्व के आयोजन को लेकर गंगा घाट पर तैयारी अपनी पूरी करें। इतना ही नहीं, कमिश्नर संजय अग्रवाल ने पटना के डीएम और नगर आयुक्त को दिए गए अपने निर्देश में साफ कहा है कि गंगा घाटों की साफ सफाई के साथ साथ वहां बैरिकेडिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए। हिलसा विधानसभा में 3 बूथों पर दोबारा से करवाया जा रहा है मतदान। हिलसा विधानसभा के 3 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा से मतदान करवाए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कराए पर शुराय थाना इलाके में 3 बूथों पर पुनर्मतदान हो रहा है, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच कोरोना का पालन करते हुए मतदान करवाए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार कराए पर शुराय के हथला 84 पुल के पास 3 नवंबर को ईवीएम और कर्मियों के साथ लौट रहा पिकअप वैन पानी भरे गड्ढे में पलट गया था, जिसके बाद ईवीएम में पानी घुस गया था और यही कारण है कि मतदान आज दोबारा करवाए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम योगेंद्र सिंह ने दी है और बताया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 3 मतदान केंद्रों पर जांच करवाए जा रहे हैं। आज बिहारी पत्र स्पेशल में हम बात करेंगे इंदु सोनाली और विजय कुमार की। इंदु सोनाली का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में आज ही के दिन 1978 को हुआ था। इंदु सोनाली एक भारतीय फिल्म पार्श्व गायिका है, जिन्हें भोजपुरी के आइटम गीतों में गाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 300 भोजपुरी फिल्मों और 50 संगीत वीडियो एल्बम के लिए गाया है और उन्हें भोजपुरी फिल्म उद्योग के शीर्ष पार्श्व गायकों में से एक माना जाता है। वहीं विजय कुमार की बात करें तो विजय कुमार का जन्म आज ही के दिन साल 1954 को बिहार के सासाराम जिले में हुआ था। विजय कुमार एक भारतीय आणविक जीव विज्ञानी, विषाणु विज्ञानी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में मानद वैज्ञानिक है। हेप्टोलॉजी में अपने शोध के लिए उन्हें जाना जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संन्यास पर तेजस्वी यादव ने उनके डरने की कही बात। आज बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के तहत मतदान करवाए जा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव पर राजनीति लगातार जारी है। चुनाव से ठीक पहले यानी कि बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने युवा नौकरी संवाद कार्यक्रम में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री घबरा गए हैं, वो जमीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के प्रति लोगों का विश्वास अभी झलक रहा है। शुरू दिन से मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब बिहार संभल नहीं रहा है, वो थक चुके हैं। कल पूर्णिया के धमदाहा में उन्होंने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि यह उनका अंतिम चुनाव है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 साल काम किया होता तो आज शायद यह नौबत नहीं आती। बिहार के कितने नौजवानों को कष्ट उठाना पड़ता है, पूरे सिस्टम को डबल इंजन की सरकार और नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया है। केबीसी में पहुंची बिहार की बेटी ने जीते 25 लाख। केबीसी के मंच पर आज से पहले कई बिहारी प्रतिभाओं ने अपने साथ साथ समूचे बिहार का नाम रोशन किया है। हर साल केबीसी के सीजन में कोई ना कोई बिहारी जरूर पहुंचता है। इस क्रम में इस बार बिहार की मान बढ़ाने का काम कटिहार की शिक्षिका रूबी सिंह ने किया है। प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर कोरहा कटिहार की शिक्षिका रूबी सिंह ने कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचकर साबित कर दिया है कि सतत प्रयास जारी रहे तो सफलता निश्चित तौर पर मिल जाती है। जहां रूबी ने 25 लाख रूपये जीते, वहीं 13वें प्रश्न में रूबी फंस गई थी और उनके पास कोई लाइफलाइन भी मौजूद नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने गेम को बीच में ही छोड़ना ज्यादा मुनासिब समझा और 25 लाख रूपये अपने नाम दर्ज किए। इसके साथ ही आपको बता दें कि रूबी सिंह का साल 2012 में भी केबीसी में हुआ था। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने की सभी से वोट डालने की अपील। बिहार चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी आम नागरिक से अपील की है, साथ ही विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में वोट डालने की भी मांग की है, जिसके तहत उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए ट्वीट कर कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में आज तीसरे और आखिरी चरण के मतदान है। सभी मतदाताओं से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदार बने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड कायम करें। इसके साथ
साथ ही वोटिंग के दौरान सभी लोग मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखें। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एनडीए के पक्ष में कई जनसभाएं की है। शक्ति सिंह गोहिल आए कोविड 19 की चपेट में। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले बीते दिन बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल कोविड 19 संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि उनकी रिपोर्ट कोविड 19 पॉजिटिव आई है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट कर कोविड 19 से संक्रमित होने की बात की जानकारी दी। उन्होंने खुद ट्वीट कर लिखा कि आज मैंने कोविड 19 का आरटीपीसीआर जांच करवाया है जिसमें मैं संक्रमित पाया गया हूं। हालांकि कोई चिंता की बात नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता कोविड 19 की चपेट में आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कोविड 19 के चपेट में आ चुके हैं। चिराग पासवान ने की रिकॉर्ड तोड़ मतदान की अपील। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में सभी मतदाताओं से जी तोड़ वोट करने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पहले और दूसरे चरण में भाजपा को बढ़त मिली है और लोक जनशक्ति पार्टी ने भी उम्दा प्रदर्शन किया है। चिराग ने आगे कहा कि बिहार के पहले दो चरणों और अब तीसरे चरण में उन्होंने लोगों को, युवाओं को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से जुड़ते देखा है। पहले दो चरण में भाजपा और लोजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पूरी पूरी उम्मीद है कि बिहार में अगली सरकार विकास की सोच वाली बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनने की बात कही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर गिरिराज सिंह ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बीते दिन लालू यादव के करीबी और राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असामाजिक स्थिति उत्पन्न करने वाला नेता बताया है। साथ ही उन्होंने गुजरात मामले का भी उदाहरण पेश किया था, जिस पर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विपक्षियों ने प्रधानमंत्री मोदी को जलील करने का काम किया है, जबकि पूरा देश जानता है कि पीएम मोदी भारत माता के सच्चे सपूत है। वो वंदे मातरम बोलते हैं, लेकिन आपको उससे भी परहेज है। बगैर शपथ ग्रहण किए काम पर पहुंचे राजभवन विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा। बिहार में अंतिम चरण के चुनाव के बीच राजभवन और सरकार की परेशानी बढ़ गई है। विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर शिशिर सिन्हा के शपथ ग्रहण के मामले को लेकर राजभवन और सरकार परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, राज्य सरकार ने रिटायर आईएएस अधिकारी शिशिर सिन्हा को आयोग के अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। राज्य सरकार की नियुक्ति के बाद विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष को राजभवन में शपथ दिलवाई जाती है, लेकिन शिशिर सिन्हा शपथ ग्रहण करने के बगैर ही पदभार संभालने पहुंच गए थे। शपथ ग्रहण के बिना ही कामकाज संभालने के बारे में जैसे ही सरकार को जानकारी मिली, वैसे ही सरकार की तरफ से आनन फानन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय करने के लिए राजभवन को जानकारी दी गई, लेकिन राजभवन ने शपथ ग्रहण की फाइल ही लौटा दी। दोपहर 1 बजे तक पड़े 34.82% मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत आज मतदान करवाए जा रहे हैं। वहीं 1 बजे तक आई अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 34.82% मतदान पूरे हो चुके हैं, जिसके तहत पश्चिम चंपारण में 35.81%, पूर्वी चंपारण में 33.62%, सीतामढ़ी में 31.51%, मधुबनी में 34.76%, सुपौल में 35.73%, अररिया में 32.79%, किशनगंज में 34.45%, पूर्णिया में 36.86%, कटिहार में 35.34%, मधेपुरा में 33.93%, सहरसा में 37.58%, दरभंगा में 26.58%, मुजफ्फरपुर में 40.15%, वैशाली में 37.99%, समस्तीपुर में 34.16% वोटिंग हुई है। वहीं वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर 1 बजे तक 35.81% मतदान हो चुके हैं। आरसीबी को हराकर क्वालिफायर के दूसरे मैच में भिड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद की टीम। जहां मुंबई इंडियंस ने अपनी जगह फाइनल में बना ली है, वहीं दूसरी तरफ तेजी से फाइनल के दूसरे दावेदार भी जल्द ही मिल जाएंगे। बीते दिन आरसीबी के साथ खेले गए मैच में सनराइजर हैदराबाद को जीत मिली, जिसके बाद सनराइजर हैदराबाद अब दिल्ली कैपिटल्स के साथ दूसरे क्वालिफायर में भिड़ने वाली है। हालांकि यह मैच सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के लिए निर्णायक मैच होगा, क्योंकि इस मैच में यह पता चल जाएगा कि कौन सी टीम फाइनल में जाने के लिए क्वालिफाई होती है। आपको बता दें, बीते दिन खेले गए मैच में आरसीबी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, जहां विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर नहीं बोला। वहीं एबी डिविलियर्स किसी तरह 50 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब रहे। हालांकि बीते दिन खेला गया मुकाबला काफी दिलचस्प भी था। इसके बाद दूसरा क्वालिफायर कल खेला जाएगा, जहां दिल्ली और सनराइजर हैदराबाद दोनों जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी, साथ ही फाइनल में जगह बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। श्वेता तिवारी की बाथटब फोटोशूट की तस्वीर सोशल मीडिया पर कर रही है ट्रेंड। श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आती है और अपनी फोटोज आए दिन शेयर करती रहती है। वहीं अब श्वेता ने अपने लेटेस्ट फोटो को शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। श्वेता ने यह फोटोशूट बाथटब में बैठकर करवाया है। एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर का आउटफिट पहन रखा है, जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। श्वेता की फोटोज पर फैंस के साथ साथ सेलिब्रिटीज
भी उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से श्वेता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई थी। श्वेता के पति अभिनव ने श्वेता पर यह आरोप लगाया था कि वो बेटे को उनसे मिलने नहीं दे रही है। दरअसल अभिनव कोहली सोमवार की शाम श्वेता तिवारी के घर पर अपने बेटे से मिलने पहुंचे और वहां से लाइव वीडियो शेयर उन्होंने किया था। वो लगातार घर की घंटी और दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन श्वेता ने गेट नहीं खोला था। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 84 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 50,356 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 84,62,081 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 577 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,25,562 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना के प्रभाव कम होते जा रहे हैं। जिस तरह से बीते कुछ दिन में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिले, वहीं आपको बता दें भारत में अब तक कुल मिलाकर 78,19,886 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 5,16,632 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद में से आपके अनुसार कौन सी टीम मजबूत दिख रही है जो फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो पाएगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।